मैं कैप्टन जगदीश वर्मा हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि जो आज के दिन पूरे देश भर में पूरे पूर्व सैनिकों ने हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से एक ज्ञापन देने का फैसला किया हुआ है, उसके उद्देश्य से हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज मंडी के पाटल ग्राउंड में लगभग 1500 भूतपूर्व सैनिक पूरे जगहों से, जितने भी ब्लॉक तहसील हैं, सुंदरनगर, करसोग, चचोट, सदर, जोगिंदरनगर, धर्मपुर और सरकाघाट के सभी इलाके से आदमी पहुँचे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे को सड़कों पे आने के लिए सरकार ने और सेना मुख्यालय ने मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारे को जो अभी टेबल निकला हुआ है वो वन रैंक वन पेंशन के बारे में, उसको देख कर के सभी को आक्रोश आता है कि उसमें सारे का सारा पैसा, सारा नहीं तो कम से कम 90% पैसा जो है वो मेजर से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर और ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल तक के रैंक वालों को और उनके जो काउंटर पार्ट रैंक हैं नेवी एयरफोर्स उसमें दे दिया है और बहुत कम पैसा वो आर्च को दिया है। जेसीओ का तो इतना बुरा हाल है कि वो पुराने वाले पेंशनर हैं उनसे उनको पेंशन को कम कर दिया, जो आज तक देखा नहीं था। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके विरोध में आज पूरे देश में हम लोग सरकार का ध्यान इस तरफ लाना चाहते हैं कि वो जिन लोगों ने देश की रक्षा किया है आज इस पड़ाव पे हैं कि उनको सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज सारे के सारे पूर्व सैनिक हर जगह से आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को रख रहे हैं।